श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार शूटर्स व साजिशकर्ताओं को आज रिमांड अवधि पूरी होने पर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में हथियार सप्लायर पूजा सैनी को रिमांड अवधि पूरी होने पर पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार अन्य सभी आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं। गौरतलब है कि मामला एनआईए के पास अनुसंधान के लिए चला गया, लेकिन एनआईए ने इस मामले में सहयोग के लिए पुलिस मुख्यालय की एआईटी व कमिश्नरेट संबंधी अधिकारियों को शामिल कर रखा है। 5 दिसंबर को गोगा मेडी को घर में घुसकर गोली मारने के मामले में शूटर्स रोहित राठौड़ व नितिन फौजी को चंडीगढ़ से उनके एक अन्य साथी उद्धम सिंह के साथ पकड़ा था। वहीं जयपुर में फायरिंग के बाद भागने में मदद करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथी रामवीर व गुरुग्राम की जेल से भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत सहित 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे रोहित गोदारा व वांटेड वीरेंद्र चारण के निर्देश पर गोगा मेडी की हत्या करने का आरोप है। तो दोस्तों, आगे इसके बारे में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।